हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक स्ट्रीम्स। यहाँ पर एक मैच हो रहा है मेजर लीग सॉकर का, रियल सॉल्ट लेक वर्सेस अटलांटा यूनाइटेड के बीच। रियल सॉल्ट लेक तो रैंक टीम है भाई साहब, इतनी ज़बरदस्त रैंकिंग है इस टीम की, लास्ट सीजन से देख रहा हूँ यार। अब तक इस एक साल में इतनी बढ़ोतरी कर ली, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखूंगा तो हैरान ही हो जाऊंगा मैं। मतलब इतनी प्रोग्रेस मान गए भाई टीम को। बाकी अटलांटा टीम तो खास नहीं है, ये तो चली है, कभी चल गए कभी ना चले, ये हिसाब है इनका। तो ये मेरी टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की, देखिए भाई, रियल सॉल्ट लेक एंड ATU में वी हैव टू फेवर रियल सॉल्ट लेक। रियल सॉल्ट लेक जो टीम है ना, वो मेजर लीग सॉकर की एक बहुत कलाकारी टीम है। मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत जेन्युइन टीम है, जबकि अटलांटा टीम बहुत डाउनफॉल में है। और RSLC इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएगी, तो आई एम विद RSLC। संडे है, जैकपॉट मत भूलो भाई, सुबह बहुत अच्छे मैचेस हैं। अगर आप लोग मेरे को स्क्रीनशॉट टाइम टू टाइम भेजो ना रिजल्ट्स के, और अगर मैं भी आपको टीम ओपन दूँ और हम खेलो भी, देन डेफिनेटली मैं आपके लिए 6:30 बजे जागूँ। लेकिन आप लोग भाई प्रेपरेशन ही नहीं रहती, दैट्स वाई भाई मैं कई मैच स्किप कराता हूँ, रीज़न ये है। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन में जूलियो, देखिए भाई जूलियो के गेम प्ले में बहुत इंप्रेसिव यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती थी अगर ये खिलाते, लेकिन इनको ना एक चांस मिल गया। चांस क्या था कि सी एंड्रस की वापसी, सी एंड्रस ने कॉन्जिक्यूटिवली 6 गोल कर दिए भाई। 19 मई को 2 गोल, SPKC के अगेंस्ट 2 गोल, HD टीम के अगेंस्ट 1 गोल, और 5 ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव में। अगर देखा जाए तो लास्ट 5 मैचेस के अंदर 6 गोल आए इस बंदे के, गोल रेशियो 120%, असिस्ट गिनूंगा तो 100 से ऊपर जाएगी। तो मतलब पहले ही 100 से ऊपर है, क्या 100 से ऊपर जाएगी, मतलब मैं कहता हूँ इस जैसा बंदा नहीं है भाई जिस हिसाब से खेल रहा है। जूलियो को स्वैप कर दिया भाई बंदे ने, जबकि रेंगो जैसा प्लेयर भी फीका पड़ गया उसके आगे। रेंगो का कोई बाप नहीं था भाई इस टीम में, मैं कहता हूँ कि इसका कोई तोड़ ही नहीं था, लेकिन अब यह है ज़बरदस्त प्लेयर। उसके बाद ATU तो बहुत गिरावट में है, एक ढंग का स्ट्राइकर नहीं है। जिस टीम के पास स्ट्राइकर नहीं होगा भाई, वो मैच कहाँ से जीतेगी। जब फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइकर अच्छा होना चाहिए, तो वो तो है नहीं। और एंजल लूना RSLC का मेन प्लेयर, और जेडा के पीछे मत भागो, मना कर रहा हूँ, क्लियर मना कर रहा हूँ। पिछले मैच के अंदर 7% सिलेक्शन पे एक कॉन्टेस्ट नहीं हारा मैं, इस बंदे को मैंने लिया नहीं था, सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं लिया था, एक भी कॉन्टेस्ट नहीं हारा। क्योंकि आप क्यों पीछे पड़ रहे हो भाई, गोल रेशियो उस बंदे का 10% है, 10 में से वो 1 गोल करता है, और आप उसको अपनी टीम का मेन प्लेयर बना रहे हो, भाई गलती कर रहे हो, डोंट गो विद हिम। इससे बढ़िया क्रूक्स ले लो, क्रूक्स में मेरे को फिर थोड़ा बहुत डाउट है। क्रूक्स ने बड़ी लीग्स में खेला हुआ है, इंग्लिश लीग्स में खेला हुआ है, इसको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद पीरूइस का तो अभी मुझे पता नहीं कि दैट वो खेलेगा अभी कि नहीं। अल्माडा को लो, ATU का मेन प्लेयर। अल्माडा के बाद लॉब्जिन इट्जे को तो मैं कभी ड्रॉप करता ही नहीं। गो डिफेंडिंग सेक्शन में एक एट्रेंटिस, ग्लैड और ब्रोडी। ब्रोडी को मैं इसलिए ले रहा हूँ, ब्रोडी आई वांट, मैं देखना चाहता हूँ इस बंदे को, जबकि बी वेरा मेरा मेन प्लेयर हुआ करता था, उसकी इंजरी के दौरान मुझे ब्रोडी लेना पड़ रहा है, बट ब्रोडी अच्छा है। और उसके बाद ATU की बात करें, देन लैनन, क्योंकि एक भी स्ट्राइकर हमने नहीं चुना और मिडफील्डर मैं ज़बरदस्ती लेता नहीं, सो मेरे पास एक ही ऑप्शन है। एंड बात करें गोल कीपिंग की, गुजान द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड गोल कीपर, खेलता तो मुझे खुशी होती है, पर 2 लास्ट मैच खेला नहीं यार, पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं तो चाहता हूँ खेले, नहीं खेल रहा तो कोहन ले लो। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है यहाँ पर मेरा एरेंगो, वाइस कैप्टन वॉज सी एंड्रस गोमेज़। लोगों ने कप्तान रखा है गोमेज़ को, ये बहुत गलती कर रहे हो आप, ठीक है, ट्रस्ट करो, लेकिन इतना भी नहीं, वो शुरू से स्ट्राइकर नहीं है मेरे भाई, और वो अभी चलना शुरू है। सो आप ये पहले देख लो कि क्या फॉर्म उसकी रहेगी, रिमेन है कि नहीं है, ठीक है। 5 गोल से ठीक है, जजमेंट अच्छी हो रही है आपकी, लेकिन वाइस कैप्टन रखो। कैप्टन तो मेरे हिसाब से रैंगो को रखना चाहिए, जो एक्सपीरियंस रैंगो का है वो इस टीम में किसी के पास नहीं है, मेरा तो ये मानना है, ठीक है। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।